everyone, welcome to our channel. In this channel, you'll get detailed information about more than 3,000 courses, career options, and lot more information. Thus, to attain all this information, all you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. Hello, this is Shubham Singh and I welcome you again on another episode of Career Planning. आपने ट्यून इन किया है स्टूडेंट खबरी और आज हम बात करने वाले हैं करियर एज अ साउंड इंजीनियर के बारे में। तो आप जो भी गाने सुनते हो या आज में म्यूजिक या कहीं भी कैसे भी म्यूजिक या रिकॉर्डिंग वगैरह सुनते हो तो आपके मन में ख्याल आया होगा कि ऐसा क्या करते हैं कि इतनी क्लियर वॉइस होती है और इतने अच्छे से सब ऑर्गेनाइज कैसे होता है। हम तो रिकॉर्डिंग करें तो भाई इतना शोर आ जाता है। दरअसल ये काम होता है साउंड इंजीनियर का, जो एक म्यूजिक की प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन सभी चीजों पे काम करता है। अगर आपको ही म्यूजिक रिलेटेड या म्यूजिक बनाने में इंटरेस्ट है तो आप भी साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं और अपना करियर साउंड इंजीनियर के तौर पर बना सकते हैं। हम आपको इस करियर के बारे में सारी चीजें बताएंगे, तो चलिए धीरे धीरे जानते हैं कि इस करियर में आगे कैसे बढ़े और आपके साथ क्या होगा इस करियर में अगर आप इसको परस्यू करते हैं। तो भाई पहले इस करियर के बारे में थोड़ी सी जान पहचान हो जाए। एक साउंड इंजीनियर तो वो है जो कैप्चर करने से लेकर रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, मिक्सिंग करके साउंड को रिप्रोड्यूस करे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से। इसमें प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन दोनों काम आते हैं। प्रोडक्शन में आप कह सकते हैं कि सेटअप और एक्चुअल रिकॉर्डिंग आती है और पोस्ट प्रोडक्शन में उस रिकॉर्डिंग को पॉलिश किया जाता है। स्टडी में टेक्निकल और क्रिएटिव एस्पेक्ट्स आते हैं। स्टूडेंट्स बेसिक थ्योरी ऑफ साउंड से सीखना स्टार्ट करते हैं और रिकॉर्डिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, लाइव साउंड रीइंफोर्समेंट और ब्रॉडकास्टिंग सीखते हैं। साउंड मिक्सिंग और रिकॉर्डिंग टूल्स को यूज करना भी कवर होता है। तो एक साउंड इंजीनियर करता क्या है? सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स और कमर्शियल मूवीज के लिए काम करने के अलावा एक साउंड इंजीनियर रेडियो, टीवी स्टेशन और फाइव स्टार क्लब्स में भी क्रिएट या स्ट्रीमलाइन या साउंड रिकॉर्ड करने के काम आते हैं। कभी कभी ये चैलेंज भी हो जाता है कि क्लाइंट का एक्सपेक्टेशंस पूरा करना, जो कभी कभी बहुत वाइल्ड हो सकती है। अगर आप कभी किसी क्लाइंट या एडवर्टाइजर या एजेंसी को आपका क्रिएटिव आउटपुट पसंद नहीं आया तो वो आपके पूरे काम को ही कैंसिल कर सकता है। तो भाई आपकी इन्फ्लेटेड ईगो इस काम के लिए ठीक नहीं है। क्लाइंट के साइड से कोई भी नॉन क्रिएटिव इंसान आपके काम को रिजेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफी टाइम रैंडम होता है और इनएक्सप्लिकेबल भी होता है। तो चलिए स्किल सेट्स की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप एक साउंड इंजीनियर बनना चाहते हैं तो म्यूजिक में इंटरेस्ट तो भाई होना ही चाहिए। क्रिएटिविटी और टेक्निकल में नॉलेज होनी चाहिए। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना जरूरी है। आप एक टीम प्लेयर होने चाहिए। आपको कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए अपने वर्क के रिगार्डिंग। पेशेंस होनी चाहिए। अच्छी समझ होनी चाहिए टूल्स की, वॉइस की, म्यूजिक वगैरह की। पिच, टाइमिंग और रिदम की समझ भी होनी बहुत जरूरी है। और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मिलके काम करना आना चाहिए। तो कैसे आगे बढ़े और कैसे करियर बनाए? डिप्लोमा या डिग्री साउंड इंजीनियरिंग में लेना फर्स्ट स्टेप्स है। उसके बाद वो मूवीज या टेलीविजन या एडवर्टाइजिंग और ब्रॉडकास्टिंग में या लाइव कॉन्सर्ट्स और मल्टीमीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम ढूंढ के काम कर सकते हैं। और अगर बात करें सैलरी की तो आप इसमें अर्ली सैलरी 1-2 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिड सैलरी 4-5 लाख और सीनियर सैलरी 12-14 लाख। इसका एकेडमिक प्रेशर मीडियम रहेगा और जॉब प्रेशर भी मीडियम रहेगा। इस करियर को परस्यू करने के लिए आपकी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 15 इयर्स की होनी चाहिए। सो अगर आपके पास है रिलेवेंट स्किल्स एंड इंटरेस्ट तो आप करियर एज अ साउंड इंजीनियर के बारे में सोच सकते हैं। सो दैट वाज ऑल इन टुडेज करियर प्लानिंग एपिसोड। मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अपॉर्चुनिटी से भरी करियर अपॉर्चुनिटी के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। थैंक यू।